नमस्कार, मैं पार्वती गहलोत, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज के यही लेक्चर की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है फॉर्मेटिंग टेबल्स पार्ट 3। फॉर्मेटिंग टेबल्स जो कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका विषय कोड CA, ID, CD, TD, BC 122 है, के नंबर 5 वर्ड प्रोसेसिंग का एक टॉपिक है। हमने फॉर्मेटिंग के पहले दो पार्ट्स में बेसिक फॉर्मेटिंग, टेबल की स्टाइल के ऑप्शन, बॉर्डर शेडिंग, टेबल की प्रॉपर्टीज़, कैसे हम किसी सेल को, रो कॉलम और टेबल को डिलीट करते हैं और कैसे हम रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं, ये सब देखा। आज हम उसके थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर देखेंगे कैसे सेल्स को मर्ज किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा जो भी आपके सेल हैं उनको कैसे आप मर्ज करोगे, कैसे कोई भी एक सेल को हम दो से ज़्यादा भागों में स्प्लिट करेंगे, कैसे हम टेबल को स्प्लिट करेंगे, कैसे किसी भी सेल को रिसाइज करेंगे, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल को मर्ज कैसे किया जाता है, या हमें जो भी मर्ज करना है वो वाली हमें सेलेक्ट करना है। जैसे हमें इन तीन सेल्स को मर्ज करना है तो हमने इन तीनों सेल को सेलेक्ट किया और उसके बाद में वही हम लेआउट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे हम मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों सेल मर्ज होकर एक सेल की तरह हमें ट्रीट करेंगे। मर्ज सेल एक और तरीके से भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें हमारे जो भी हमारे सेल हैं उन्हें सेलेक्ट करना होगा और राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने पर हमें बहुत सारे ऑप्शन नज़र आते हैं, उन ऑप्शन में से हमें मर्ज सेल नज़र आता है। जैसे हम मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे वो सारे सेल मर्ज हो जाएंगे और हमें एक सेल की तरह नज़र आएंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्प्लिट सेल। जब हम एक सेल को दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और लेआउट पे जाके स्प्लिट सेल पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लेआउट पे जाके स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा जो हमसे पूछेगा कि ये सेल जो हम डिवाइड करना चाहते हैं वो कितनी रो में और कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। हमने सपोज यहाँ लिखा रो 1 एंड कॉलम 2, मतलब हमें इसको एक ही रो में रखना है और उसके दो कॉलम हमें बनाने हैं, ये कहकर हमने ओके पे क्लिक किया। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा सेल जो है वो एक ही रो में और दो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। स्प्लिट सेल करने का एक और तरीका है, वैसे हमें क्या करना है, टेबल को सेलेक्ट कर देना है और राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने से भी हमारे सामने जो ऑप्शन आते हैं उसमें स्प्लिट सेल का एक ऑप्शन आएगा। जैसे हम स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे हमसे पूछेगा अगेन वही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, कितनी रो में और कितनी कॉलम में हमें ये वैल्यू फिल कर देनी है और ओके क्लिक कर देना है। तो हम दो टाइप से स्प्लिट सेल कर सकते हैं, आइदर हम लेआउट मेन्यू से या फिर राइट क्लिक करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्लिट टेबल। हम टेबल को कैसे स्प्लिट करते हैं, टेबल को स्प्लिट करने के लिए हमें पहले कर्सर वहाँ रखना है जहाँ से हमें हमारी टेबल स्प्लिट करनी है, ब्रेक करनी है। तो हमने हमारे कर्सर की पोजीशन वहाँ ले जाके रखी। अब हम लेआउट में जाएंगे और वहाँ पे हम स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे जहाँ हमारा कर्सर था वहाँ से वो टेबल नीचे की तरफ ब्रेक होके हमें टेबल दो टेबल में डिवाइड हुई भी नज़र आई। हम इसको 3-4 में भी कर सकते हैं, अगेन हम कर्सर रख के स्प्लिट टेबल करते जाएँ उतने ही वो पार्ट पर डिवाइड होती जाएगी। तो ऐसे हम स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीसाइज सेल। हम सेल को कैसे रीसाइज करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल सेलेक्ट करनी है, वापस लेआउट पे जाना है या ऑटो फिट का एक ऑप्शन होता है। तो ऑटो फिट पे जैसे हम जाएंगे हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम पे। अगर हमने ऑटो फिट कंटेंट का, इसका मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारी टेबल जो है वो सेट हो जाएगी। अगर हमने ऑटो फिट विंडो का तो विंडो के अकॉर्डिंग हमारी टेबल सेट हो जाएगी। और हमने फिक्स्ड कॉलम विड्थ का तो हमने जो भी कॉलम विड्थ सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारी टेबल कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले हम चलते हैं ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करके। तो ऑटो फिट कंटेंट पर जैसे क्लिक करेंगे कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारी टेबल कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम ऑटो फिट विंडो करते हैं विंडो के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमने कॉलम किया तो कॉलम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम हमारी टेबल को जो है वो ऑटो फिट कर सकते हैं। उसके अलावा हम सेल की हाइट दे सकते हैं, यहाँ पे विड्थ दे सकते हैं। यहाँ से अगर हमें ऐसा लगे कि हमारी कहीं भी रो छोटी और बड़ी हो रही है, मतलब उनकी विड्थ में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम अगर डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो हमारी जो भी रोज़ हैं उन सब की जो हाइट है वो सेम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉलम है उनकी जो विड्थ है वो हमारी सेम रहे, तो कॉलम की विड्थ को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके कॉलम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करना पड़ेगा। अभी देखिए
फर्स्ट कॉलम जो है वो ज़्यादा है, सेकंड कॉलम की जो विड्थ है वो कम है, थर्ड की हमारी फिर से ज़्यादा है। हम इन सबको इक्वलन करना चाहते हैं, तो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे ये सब एक जैसे हो जाएंगे, इन सब की विड्थ एक जैसी हो जाएगी। तो ऐसे रीसाइज सेल के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। रीसाइज सेल का दूसरा तरीका भी होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे ऑटोफिट का ऑप्शन आएगा। हम इस ऑटोफिट पे क्लिक करके जो हमने वहाँ देखा था लेआउट मेन्यू के थ्रू, तो ऑटोफिट टू कंटेंट भी कर सकते हैं, टू विंडो भी कर सकते हैं और फिक्स कॉलम विड्थ भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमने आज के लेक्चर में देखा कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा सेल को मर्ज कर सकते हैं, एक सेल को दो या दो से ज़्यादा सेल में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे हम टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं और कैसे किसी सेल को रीसाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।